सबसे पहले तो मैं आपको मंदिर के इस तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगी जो मेरे राइट हैंड साइड में है। यहाँ एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वो है भजन। यहाँ पर कई ग्रुप आए हुए हैं जो भजन करते हैं और ये भजन संध्या हम अक्सर सुनते थे, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे भजन का कार्यक्रम है। यानी कोई भी श्रद्धालु मंदिर में कभी भी पहुंचे तो उनके कानों तक मैया के जो भजन है उसके सुर उसकी ध्वनि जो है वो पहुंचते रहे। और आपने कहा पीले पुष्प मैया को बहुत पसंद है, तो आप देखिए पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो ही पीले पुष्पों से सजा हुआ है। यहाँ पर आपको दो कलर ही नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, एक तो पीले पुष्प नजर आ रहे होंगे, साथ ही जो डेकोरेशन है उसमें नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। तो पीले पुष्पों को विशेष माना जाता है मैया के लिए। और अगर अंदर भी माँ झंडे वाला उनके जो दिव्य रूप है हम अगर आपको वो दिखाएं तो वहां पर भी पीले पुष्पों से आज मैया का श्रृंगार किया गया है। यानी पीले पुष्पों का इस्तेमाल किया गया है, नीले पुष्पों का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही मैया के श्रृंगार में भी आपको पीले रंग नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आज कहा जाता है कि नीले रंगों से ही मैया का श्रृंगार होता है, पीले रंगों से भी मैया का श्रृंगार होता है और मंदिर प्रांगण भी पूरा पीले फूलों से ही सजाया गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा माँ की नवरात्रों के दौरान आराधना की जाती है और आज नवरात्रि का सातवां दिन है, यानी माँ कालरात्रि की आज पूजा की जाती है। कहते हैं माँ कालरात्रि की पूजा करने से जितने भी रोग होते हैं, भय होता है, उसका नाश हो जाता है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में। झंडेवालान मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर आम दिनों में भी श्रद्धालुओं का हुजूम पहुँचता है और अब जब शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो यहाँ पर दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। जिस तरफ भी तस्वीरें देखे आप उस तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे। पूरा मंदिर प्रांगण खूबसूरत सजाया गया है, अलग अलग तरह के पुष्प लगाए गए हैं। मंदिर की खूबसूरती ऐसी है कि एक नजर पड़ते ही ये मालूम पड़ता है कि नवरात्रि का जो त्योहार है वो यहाँ पर कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, देश के तमाम मंदिर में मैया रानी का जो नवरात्र है उसके लिए तैयारियां विशेष की जाती है, चाहे बात दिल्ली की हो, बंगाल की हो, गुजरात के गरबे की हो या कटरा की हो, हर जगह नवरात्रों का उत्सव मनाया जा रहा है। हर जगह नवरात्रों के रंग में जो श्रद्धालु हैं वो रंगे हुए हैं। यहाँ पर जगह जगह से श्रद्धालु भी पहुंचे हैं और आज माँ कालरात्रि की पूजा के लिए विशेष पुष्पों से पूरा मंदिर प्रांगण सजा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पीले पुष्प नजर आते हैं, साथ ही डेकोरेशन में नीले पुष्पों का भी इस्तेमाल किया गया है। और खास बात यह है कि झंडेवालान मंदिर का जो भंडारा है वो बेहद खास होता है। ये भंडारा 24 घंटे चलता है, कोई भी श्रद्धालु मंदिर से भूखा ना जाए इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाती है। तरह तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं और पूरे दिन मंदिर में जो भजन है, भजन कीर्तन जागरण वो चलता रहता है, जिसकी वजह से कोई भी श्रद्धालु मंदिर में कभी भी पहुंचे तो उनके कानों तक जो मैया के भजन है वो पहुंचे। के बच्चे यहाँ मौजूद हैं, क्या नाम है? अनीशा। माता की पूजा करने? हाँ। क्या मांग रहे हो मैया से? कि मेरे कि मैं पास हो जाऊँ। पास हो जाऊँ? हाँ। और घर के लिए क्या मांगा? घर के लिए मैंने ये मांगा कि घर में सब खुश रहे। घर में सब खुश रहे। छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स बच्चों को मंदिर लेकर पहुंचते हैं, शनिवार का दिन भी आज। आप लोग बताइए कैसे पूजा कर रही है, क्योंकि कहते हैं माँ की पूजा बहुत आसान आसानी होती है। माँ तो माँ ही होती है, की माँ तो जरूर पिघल जाती है माँ तो हर बात पे। आप कब से झंडेवालान मंदिर आए? वो साल हो गया आते हुए। अच्छा, झंडेवालान माता के लिए कहा जाता है जो मान लीजिए माँ से माँ दे देती है? बिल्कुल देती है, बिल्कुल देती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिल जाता है। आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी? अभी तक तो मानी नहीं माता से मनोकामना, लेकिन अब लेके हर महीने आते हैं तो माँ के पास माँ जरूरत नहीं पड़ती, माँ अपने आप ही दे देती है। आपका क्या नाम है? तनिष्क प्रजापति। आप माता की पूजा करने आए? माँ की पूजा करके आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे माता से? पढ़ाई लिखाई। और आपका क्या नाम है बच्चे? रिद्धि। आपने माँ से क्या मांगा? मैं अपने पापा के लिए धन और अपने लिए पढ़ाई। पेपर अच्छे से आए आपके? कौन सी क्लास में? सिक्स।
अच्छा ये बताओ माँ से पढ़ाई के लिए तो मांग लिया, और भी कुछ मांगा? पापा के लिए धन। बिल्कुल। आपका नाम? खुशी। आप इनके साथ ही आए? हाँ जी। झंडे बलान माता के लिए लोग दूर दूर से आते हैं उनके दर्शन करने, उनको देखने, क्योंकि माता सच्ची है, क्योंकि माँ माता रानी हर किसी की मनोकामना पूरा करती है। बिल्कुल, माँ सभी की मनोकामनाओं को पूरा करती है, यही आस्था है श्रद्धालुओं के मन में। माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे मंदिर आते हैं तो रोने लग जाते हैं, माँ की एक झलक दिखती है तो उनकी आंखें नम हो जाती है। माँ के साथ श्रद्धालुओं का जो ये रिश्ता है, ऐसा लगता है जैसे माँ और बच्चों का। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब नवरात्र आते हैं तो सभी श्रद्धालु जो होते हैं वो इस समय का इंतजार करते हैं, और जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं वो माँ से पूरी करने की कामनाएं करवाते हैं, और यही श्रद्धा है, यही भारत की विविधता भी है जो समय समय पर चलते रहते हैं। बिल्कुल, यही श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि वो माँ के दर्शन करें, माँ तक अपनी मनोकामनाएं जो है वो पहुँचा दे, क्योंकि माँ मनोकामनाएं पूरी करती है। और आज नवरात्रि का सातवां दिन, आज माँ कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चना होती है, और इसके बाद अष्टमी और नवमी के दिन मनाए जाएंगे, और ये तीन दिन बेहद खास रहने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं सप्तमी अष्टमी नवमी, ये तीन ऐसी पूजाएं होती हैं जिस दिन सभी श्रद्धालु चाहे वो प्रांत कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, एक साथ मिलकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं विजय राजा के साथ। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।